हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम कार्तिक है, मैं मायर प्रोडक्ट टीम का हिस्सा हूं और इस बार मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूं। क्वेश्चन आया कि इंडक्शन बेस किसे कहते हैं, इंडक्शन पे कुकिंग अच्छी है या गैस स्टोव से स्लो है। इंडक्शन कुकवेयर मैंने ख़रीद लिया है लेकिन क्या वो इंडक्शन में काम करेगा, ये मैं कैसे वेरीफाई करूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए देखते रहिए ये वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडक्शन कुकटॉप का मतलब है वो कुकटॉप जिसके अंदर आपको फ्लेम्स नहीं दिखेंगी। जैसे ही आप कुकवेयर इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपका बर्तन जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आप खाना बनते हुए देखेंगे तो आपको फ्लेम्स नहीं दिखेंगी, जैसे मैंने आपको बोला, ना ही आप कोई चीज़ महसूस कर सकते हैं। हाँ, आपको हल्का सा बॉइलिंग साउंड, जो स्टीमिंग साउंड है वो आएगा, जो आपके कुकवेयर के अंदर आपको जनरली सुनने को मिलता है। इंडक्शन जो है बेसिक फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपका बर्तन के बेस के अंदर आयरन कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बर्तन कास्ट आयरन का बना हुआ है तो वो इंडक्शन के ऊपर 100% चलेगा। अगर आपका कुकवेयर एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, ग्लास का है तो वो इंडक्शन पे नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए आपको उसके बेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो रेगुलर अगर आप तवा ख़रीदने जाते हैं मार्केट के अंदर तो आपको क्या मिलता है, ऐसा एक आपको तवा मिलता है जिसका बेस जो है आपको ऐसा दिखेगा। ये हमारा एक तवा है नॉनस्टिक का जो इंडक्शन के ऊपर काफ़ी एफिशिएंट है। ये इंडक्शन बेस है। अगर हम पुराने तरीकों के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लोग मैग्नेट जो है यहाँ चिपका के देखते हैं। अगर मैग्नेट यहाँ चिपक रहा है तो इंडक्शन बेस उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इंडक्शन पे चलेगा। ऐसे बहुत सारे बेस जो हैं जिनको हम इंडक्शन बेस कहते हैं। एक बेस आपको ऐसा दिखता है जिसके अंदर कोई छेद नहीं, कहीं परफोरेशन नहीं है, ये भी आपको इंडक्शन के ऊपर चलते हैं। अब ये जो स्टील का बॉडी है वो हो सकता है कि नॉन मैग्नेटिक हो। 304 जो रेगुलर स्टील आप यूज़ करते हैं वो नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए नीचे बेस में उसके हमको मैग्नेटिक स्टील का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एल्युमिनियम की जहां हम बात करते हैं, जैसे हार्ड एनोडाइज्ड, ये हमारा सर्कलॉन का रेंज है, इसके बेस को हमने बनाया है इम्पैक्ट बॉन्डिंग से, जिसकी वजह से काफ़ी मजबूत है और हाईली एफिशिएंट है इंडक्शन कुकिंग के लिए। ये सब चीज़ जो हैं हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि आप मायर प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। आप देखें, आपके पास अगर इंडक्शन है तो कोई सा भी इनमें से कुकवेयर आप सिलेक्ट कीजिए, हम उसको डिलीवर कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन और फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।